आप परमेश्वर की दृष्टि में विशेष हैं। जो आपको आशीष दे उन्हें वो आशीष देगा, जो श्राप दे उन्हें वो श्राप देगा, क्योंकि आप आशीषित व्यक्ति हैं। इसमें विश्वास करें। आमेन। आशीष की परिभाषा देख रहे हैं। आशीष तो सामर्थ है, सामर्थ पाना आप कह सकते हैं, जिससे आप सामर्थ पाते हैं, योग्य बनते हैं, आशीषित होते, दूसरे शब्दों में कि जीवन में सफल हो जाएं आपके जीवन के क्षेत्र में। आशीष तो यही है, प्रभु की आशीष है। अब गलातियों अध्याय 3 बहुत महत्वपूर्ण है, वचन 13 और 14 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हमें अब्राहम की आशीष के बारे में बताया गया है और कैसे अब्राहम की आशीष हम सब तक यीशु मसीह के द्वारा आई, जो अब्राहम के शारीरिक वंश नहीं है। यह हम तक यीशु मसीह के द्वारा आई। अब मैंने आपको बताया था कि प्रभु की आशीष समझने के लिए आपको अब्राहम की आशीष समझनी होगी, क्योंकि प्रभु ने उन दिनों में एक मनुष्य को लिया जब कोई भी उसका प्रतिनिधि होना नहीं चाहता था। प्रभु ने मनुष्य अब्राहम को लिया और वो एक मनुष्य पर जितनी आशीष रख सकता था उसने रख दी, उस एक मनुष्य पर और उसके वंश पर। और उससे अब्राहम की आशीष कहा, बाइबल इसे अब्राहम की आशीष कहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संसार के सामने उसे दिखाना चाहता था। प्रभु कहना चाहता था कि देखो मैं यही करता हूं मेरे लोगों के लिए। जब मैं किसी को चुनता हूं, मैं मनुष्य के साथ ऐसे व्यवहार करता हूं, मैं मनुष्य के लिए यही करता हूं, मैं उस व्यक्ति से इतना प्रेम करता हूं। अब वो सबके साथ ऐसा नहीं करता क्योंकि सब प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मनुष्य अजनबी व्यक्ति ये प्रभु पर विश्वास करने लगता है और वो जो कहता उस पर, और परमेश्वर उसके साथ काम करने के लिए तैयार था और उस पर सारी आशीषें उंडेलता है और संसार के सामने उसे शोपीस बनाता और उसके वंश से एक बड़ा देश बनाता है, उसे संसार के सामने शोपीस बनाता है कि लोग जाने कि प्रभु की आशीष किस बारे में है। इसलिए अब्राहम की आशीष समझे बिना परमेश्वर की आशीष नहीं समझ सकते हैं। अब अब्राहम की आशीष ये है, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 2 और 3 में 5 चीजें हैं। 1 बहुत स्पष्ट है, यहां पर है, वो कहता मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, ये पहली आशीष है। दूसरी बात, प्रभु ने कहा मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, ये दूसरी आशीष है। ये केवल एक मनुष्य था, प्रभु कहता मैं तुझसे बड़ा देश बनाऊंगा, ठीक है। और फिर तीसरी बात, प्रभु कहता मैं तेरा नाम महान करूंगा, यह अब्राहम की तीसरी आशीष है। अब्राहम की आशीष महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका अर्थ देखें कि किसका किसी का नाम महान करने का अर्थ क्या है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये कुछ महान है, देखिए, प्रभु कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। चौथी बात, प्रभु कहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा, मैं इस आधार पर करूंगा, वो कहता है। पांचवी आशीष है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप भी इसके बारे में सोच सके, इसके बारे में सिखाने से पहले। पहले वो कहता है कि मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। ये तो किसी व्यक्ति के जीवन में हर चीज की भरपूरी है, जहां केवल आप आशीषित नहीं, वो केवल आशीष नहीं देना चाहता कि आपके पास काफी हो। प्रभु आपको आशीष बनाना चाहता है कि आप दूसरों को दे सके, आपके पास दूसरों को देने के लिए काफी होगा। तो ये भरपूरी और बहुतायत की जीवन शैली के बारे में कह रहा है जो उस व्यक्ति में है।
तो प्रभु कहता मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। यहां देखिए, प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे बड़ा देश बनाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक मनुष्य से शुरू करता है, बिल्कुल शून्य से, महत्वहीन व्यक्ति से, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा। पूरे संसार के सामने तू एक विशेष देश होगा, अद्भुत लोग होंगे, तुम शोपीस होंगे, तुम खासकर आशीष पाए देश होंगे। मैं तुम्हें इस तरह से सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, बहुगुणित करूंगा, संख्या और साथ ही गुणवत्ता में भी, संख्या और साथ ही गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मैं तुम पर यह सब लाऊंगा कि तुम महान देश हो जाओगे, लोग तुम्हें देखकर सच में तुमसे डरेंगे। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो शायद आप में से कुछ लोग कहें मैं छोटी सी जगह से आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और हम महत्वहीन लोग हैं, हम तो एक छोटे से कोने से, किसी को पता नहीं। प्रभु कहता नहीं, जब तुमने मुझ पर भरोसा और विश्वास किया, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे वंश को बड़ा देश बनाता हूं, मैं तुम्हें सामर्थी लोग बनाता हूं। परमेश्वर हर परिवार को लेकर इस पृथ्वी पर उन्हें सामर्थी लोग बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप सामर्थ्य पाए, सामर्थी व्यक्ति हो जाए आपका परिवार, आपका वंश, आप इस पृथ्वी पर सामर्थी लोग हो जाए कि आपके लिए गवाह हो जाए। तीसरी बात, उसने कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा। उसका यह अर्थ नहीं कि हम बाहर जाकर अखबारों में इश्तेहार दे, जानते हैं, वॉल पोस्टर बनाकर जगह जगह दीवार पर लगाए कि हमारा नाम सब लोग जाने, ये बहुत ही आसान है। कुछ लोगों के जैसे हम ऐसे कर सकते हैं और रातों रात हम विख्यात होंगे, सब लोग जानेंगे कि हम कौन हैं। इसका यह अर्थ नहीं। वो कहता मैं तेरा नाम महान करूंगा, यानी प्रभु इससे करे, इसकी राह देखे। जब प्रभु इससे करता है, यह अद्भुत होता है। प्रभु इससे करता है, वो सच में आपको शून्य से निकालता है और सच में आपको किसी महत्वपूर्ण जगह पर वो रखता है कि आपका नाम वहां पर होता है। सब लोगों में आपका नाम ऐसा होता है जो अद्भुत होता है। प्रभु आपका अच्छा नाम देता और प्रभु आपका नाम महान करता है। अब इसलिए मेरा काम है, ये नहीं कि बाहर जाकर खुद के लिए बड़ा और बड़ा नाम कमाऊं, कि इस संसार में मैं बड़ा नाम कमाने की कोशिश करूं, ऐसा करने की मैं कोशिश नहीं करता। प्रभु ये करता है, प्रभु महान नाम देता है मुझे, आपको अच्छा नाम देता है। हम क्या करते, हम केवल इच्छा को बनाए रखते हैं और उसने उस नाम को जो महानता दी है उसे रखते हैं कि हम इसमें गड़बड़ी में ना आए। जब प्रभु आपको अच्छा नाम देता है तो आप इसे बनाए रखे, गड़बड़ी नहीं करते, कुछ गलत नहीं करते कि सारा नाम व्यर्थ हो जाए। परमेश्वर आपको एक उद्देश्य के लिए देता है। प्रभु चाहता है कि आपके पास महान नाम हो इस पृथ्वी पर, ठीक है, चाहता है कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाए। फिर कहता है जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे श्राप दूंगा। प्रभु कहता है वो अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे श्राप दूंगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मैं उन वचनों को याद करता हूं, इन वचनों का मेरे लिए अर्थ है, कोई मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य भी मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई मनुष्य। मैं कहूं यदि आप प्रभु पर विश्वास करें, उसके आशीष पर विश्वास करें, प्रभु एक मनुष्य को भी आप पर एक उंगली उठाने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में विशेष हैं। जो आपको आशीष दे उन्हें वो आशीष देगा, जो श्राप दे उन्हें वो श्राप देगा, क्योंकि आप आशीषित व्यक्ति हैं। इसमें विश्वास करें, आमेन। और फिर पांचवी बात, प्रभु ने कहा तुझमें पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैं सोच नहीं सकता कि कैसे प्रभु इन चीजों को पूरा करता है। ये मुझे चकित करता है, मुझे रोमांचित करता है। यदि मैं इसे करना चाहूं तो नहीं कर सकता, जानते हैं, लेकिन प्रभु इसे करता है। प्रभु की ये आशीष है, पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाते हैं। पृथ्वी के सारे कुल कैसे हमसे आशीष पा सकते हैं, हम पृथ्वी के कुल को कैसे आशीष दे सकते हैं? यदि मैं आपके घर में आऊं तो कौन सी आशीष ला सकता हूं? मैं आपको बताऊं, केवल एक ही आशीष ला सकता हूं, यीशु मसीह का वो सुसमाचार जो मैं संग ले जाता हूं। जब मैं आपके घर में आता हूं तो साथ में लाया हुआ लड्डू कोई आशीष नहीं है, जिससे हम बस कुछ मिनटों में ही खाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं सुसमाचार का संदेश लाता हूं, यीशु मसीह का सुसमाचार जो मैं इस पृथ्वी के हर परिवार के लिए यहां पर लाता हूं। ये बहुत ही अद्भुत है। हम इसी तरह से आशीष हो सकते हैं, यही सच्ची आशीष है, ठीक है। और केवल मैं इसे नहीं कर रहा हूं, आप सब इसमें मेरे पार्टनर्स हैं, हम इसे करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं करता हूं, लेकिन आप इसमें भागी हैं, आप इसके अंग हैं, हम सब मिलकर इसे करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर हरेक के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। आप में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आप इसके कारण हैं, या आप हो चुके, यानी आप वो हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल अब सुसमाचार सुनते हैं। जैसे गलातियों 3:13 इस तरह कहता है, ये कहता है
मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, हमारे लिए वो श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यानी अब्राहम की आशीष, सब लोग कहे अब्राहम की आशीष, कुछ लोग सबको आशीष कहते हैं, कुछ बुरा हुआ तो कहते हैं कि ये भी आशीष है। खैर, मुझे वो आशीष नहीं चाहिए, इसलिए मैं सावधान हूं कि कौन सी आशीष के बारे में कह रहा है। यानी जब वो ये आशीष और वो आशीष के बारे में कहते हैं, मुझे वो सारी आशीष नहीं चाहिए। जानते हैं, कोई कहेगा भाई बीमारी आई है, लेकिन वो बीमारी भी आशीष है, मुझे वो आशीष नहीं चाहिए, मुझे माफ करना। जानते हैं, मुझे वो आशीष नहीं चाहिए, और मैं नहीं कहूंगा कि आप ही रखें, क्योंकि मैं ये प्रचार नहीं करता हूं। यानी आप सबको आशीष नहीं कह सकते, आपको स्पष्ट होना होगा कि आशीष क्या है। जब ये कहता है आशीष, तो ये और वो व्यक्ति जिस आशीष के बारे में कहते हैं उसके बारे में नहीं कहता, ये तो एकमात्र आशीष के बारे में कहता, अब्राहम की एकमात्र आशीष, जो भी अब्राहम की आशीष थी बिल्कुल वही आशीष। ये पांच चीजें, वो आशीष हमारी है यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। क्या आप ये विश्वास करते हैं? बिल्कुल वही आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारी है। अब वचन 7 पढ़िए, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। यहाँ पर कितने लोग अपने विश्वास के कारण अब्राहम की संतान हैं? विश्वास से आप अब्राहम की संतान होते हैं। आप शारीरिक रूप में अब्राहम के वंश नहीं, आप यहूदी नहीं हैं, लेकिन विश्वास से आप अब्राहम की संतान हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप तो अब्राहम की संतान हैं, ठीक है। अब वचन 8, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, उसने पहले अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। वचन 9, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं, यानी हम जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हम अब्राहम के साथ आशीषित हैं, उस आशीष से हम अब्राहम के साथ आशीषित हुए हैं। सब लोग कहें अब्राहम के साथ आशीषित हूं। आप विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित हैं, यही अच्छी खबर है। यानी इस शरीर में मेरा लक्ष्य है कि ये सत्य स्थापित करूं कि आप आशीषित हैं। अब बहुत से विश्वासी निश्चित नहीं जानते कि वो आशीषित या श्रापित है, क्योंकि यदि आप बहुत से विश्वासी को देखें तो कहते हैं खैर भाई किसी ने मुझ पर श्राप रखा, किसी ने मुझ पर जादू किया, मुझे श्राप दिया है, मुझ पर ये और वो किया है, कोई जादू किया, इससे उनका अर्थ है उन पर कोई श्राप लटका हुआ है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उन पर कोई पीढ़ी का श्राप है, उनके परदादा के समय से, उनके पहले से, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक आते जा रहा है, और वो उन सभाओं में जाते हैं जहां पीढ़ियों का श्राप तोड़ते हैं, और वो बहुत से सेशंस करते हैं, श्राप तोड़ने की सभाएं और सेशंस, जानते हैं, जहां वो श्राप तोड़ने की क्रिया से जाते हैं और ये सब। इन दिनों में जब मैं विश्वासी को देखता हूं तो निश्चित नहीं जानता कि क्या वो आशीष में या श्राप में विश्वास करते। क्या आप आशीषित हैं? मुझे उनसे पूछना लगता है कि आप आशीषित हैं या श्रापित हैं। यदि आप मुझसे पूछे कि क्या आप आशीषित हैं या श्रापित हैं, तो मैं आपको बताऊं बिना किसी संदेह से कह सकता हूं मैं तो आशीषित हूं, मुझ पर कोई श्राप नहीं, मैं तो आशीषित हूं। मैं हर दिल में यह सत्य स्थापित करना चाहता हूं कि आप सच में आशीषित हैं। कोई भी किसी तरह से कोई श्राप आप पर नहीं आ सकता, चाहे आप पर कोई भी डालने की कोशिश करे। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, इसलिए हम इस वचन में आए हैं क्योंकि यह वचन आशीष और श्राप के बारे में कहता है। श्राप क्या है? श्रापित होना यानी दोषी होना। दूसरा शब्द है डैम। बहुत से लोग डैम शब्द का उपयोग करते हैं, शैतान ने इसे रखा है, क्योंकि छोटी सी आग सारा जंगल जला देती है। यानी शैतान जब लोगों को नाश करना चाहता है तो उनके मुंह में डैम शब्द रखता है। यानी वो हमेशा कहते हैं डैम ये, डैम वो हमेशा कहते रहते हैं डैम 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 डैम, और यही अर्थ है कि डैम का मतलब, यदि वो इसका अर्थ जानते तो इसे नहीं कहते। डैम होने का मतलब विनाश के लिए चिन्ह लगाया जाना, विनाश के लिए निश्चित करना, विनाश के लिए नियुक्त करना, नाश होने के लिए तय किए गए। आशीष तो उसका उल्टा है, आप सामर्थ्य पाते, योग्य होते कि सफल हो जाएं। आशीष तो यही है, यानी आशीष तो सफल होने के लिए सामर्थ्य और योग्यता पाना है, श्राप तो आप पर चिन्ह लगाना है, नियुक्त करना है और निश्चित करना है नाश होने के लिए। अब आशीष और श्राप तो असली है। अब आधुनिक दिनों में बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते, ये बहुत असली है। बाइबल आशीष के बारे में कहती है, आपको इसे पकड़ना होगा। जानते हैं, यदि आप आशीष में विश्वास करते हैं तो श्राप भी है, और आशीष और श्राप तो बहुत असली है। और इसलिए कहता है कि मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है,
जैसे लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, कि अब्राहम की आशीष, देखिए उसने हमारा श्राप उठाया कि आशीष अन्य जाति पर आ सके, हम पर, यानी श्राप और आशीष असली हैं। उसने श्राप दूर किया, यीशु आया, पेड़ पर लटकाया गया, क्रूस पर मरा, हमारा श्राप उठाया। यदि असली नहीं होता तो श्राप क्यों उठाता? यदि आप श्राप में विश्वास नहीं करते तो लेने के लिए क्या है? बहुत से लोग इतने आधुनिक हैं कि वो कहते हैं कि श्राप पर विश्वास नहीं करता। खैर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, यीशु ने श्राप उठाया, श्राप लिया और हमारे लिए श्राप बना, बाइबल कहती है। यानी श्राप में कुछ है, श्राप तो असली है, श्राप तो असली बात है, जैसे आशीष असली बात है। यदि श्राप नहीं होते तो आशीष को कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि यदि श्राप है तो आशीष में अर्थ है। श्राप दूर करके हम पर आशीष उंडेली गई है, बाइबल यही तो कहती है, यानी इसे समझते हैं। चलिए चलते हैं यहां गिनती में, प्लीज मेरे साथ निकाली गिनती अध्याय 22। हम पिछली बार हम यहीं पर थे, हम ये पॉइंट को साबित कर रहे थे कि श्राप असली हैं और आशीष भी असली हैं, असली हैं। इसराइल के लोग जंगल से जा रहे थे और उनकी यात्रा में उन्हें बहुत सी विजय पानी थी और रुकावटों पर जय पाना था कि वो प्रतिज्ञा के देश में जा सके। अब एक जगह पर वो किसी खास रुकावट के पास आए। बालाक नाम का एक राजा था और वो बाहर आकर परमेश्वर के लोगों को देखता है और बड़ी भीड़ को देखता है कि वो बड़ी भीड़ में आते हैं। उसने कहा कि ये भूमि के धूल के जैसे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं कि हमारी सारी आशीष को चट कर जाएं। सच में उसने कहा, जैसे बैल खेत की घास चट कर जाता है, वो हमारी सारी चीज़ों को चट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास जो भी है उसे लेने के लिए आ रहे हैं। उसने सही कहा, प्रभु ने उन्हें वो देश दिया था, वो आ रहे थे कि देश ले ले, और प्रभु के लोग बढ़ रहे थे। यानी उसने अंतरराष्ट्रीय श्राप में विख्यात व्यक्ति को बुलावा भेजा कि वो आकर इन्हें श्राप दे, क्योंकि इन लोगों के बारे में एक बात समझ गया था। उसने इन लोगों के इतिहास के बारे में जाना कि ये एक मनुष्य अब्राहम से शुरू हुए और अब बढ़कर इतने लोग हो गए। वो मिस्र नाम के सुपर पावर देश से बाहर निकलकर आए थे, महान चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वे छुटकारा पाए थे। इनकी खबर पूरी संसार में फैल गई, कुछ हुआ था। लोगों का ऐसा समूह था जिन पर प्रभु का अनुग्रह वहां पर था, प्रभु की सामर्थ वहां थी। वो अपनी विजय के लिए जाने जाते थे, वो अपने महान बल के लिए जाने जाते। यानी वो इसके बारे में सुनता है और कहता है कि वो ये लोग आ रहे हैं, ये गिनती में बहुत हैं, वो महान हैं। इन लोगों को मिस्र से निकाला गया, वो गुलाम थे, लेकिन इन्हें कोई नहीं रोक सका। ये बाहर आए और हर जगह ये विजय पा रहे हैं, वो हमारे विरुद्ध में आ रहे हैं, वो हमारा देश और सब कुछ ले लेंगे। तो वो श्राप के एक्सपर्ट को बुलाता है, वो जाकर बिलाम को बुलाता, उसका नाम था बिलाम। और बिलाम आता है, श्राप देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो दाम मिलने पर आता है। हाँ, वो श्राप देने में एक्सपर्ट था, लेकिन चार्ज ज्यादा थे, राजा उसके क्लाइंट्स थे। वो कहता है, ठीक है मैं आकर इसे करूंगा। और वो आता है और प्रभु से मिलता और कहता है, देखो मैंने उन्हें आशीष दी है तो उन्हें श्राप नहीं देना, जिन्हें मैंने आशीष दी उन्हें श्राप नहीं दे सकता। प्रभु हस्तक्षेप करता है कि मैंने आशीष दी तो श्राप नहीं दे सकता। वो कहता है, ओहो। वो राजा से कहता है, बुरी खबर है, मैं श्राप देने के लिए आया था, मेरी फीस लेने के लिए मुझे खुशी है, माफ करना, प्रभु ने आशीष दी, मैं श्राप नहीं दे सकता, प्रभु के विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता हूं। तो राजा फिर से लोगों को भेजता है, ज्यादा लोग और सामर्थी लोगों को फिर से भेजता है और कहता है, ठीक है ज्यादा कोशिश करना, हम तुझे ज्यादा देंगे, तुझे जो चाहिए वो देंगे, फीस बढ़ाएंगे दुगना, तीन गुना, चार गुना, जो भी चाहिए कोई बात नहीं। वो राजा था, बहुत कुछ था उसके पास। वो कहता है, हम तुझे ज्यादा देंगे। यहीं पर जवाब था, वचन 18, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। उसने कहा, यदि राजा घर भर के सोना और चांदी भी दे तो मैं ये नहीं कर सकता। अब हम 120 स्क्वायर फीट के घर के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम हजारों स्क्वायर फीट के महल के बारे में कह रहे हैं। और वो कहता है कि यदि तू अपना महल भरकर भी मुझे सोना और चांदी दे तो भी मैं नहीं कर सकता, जो भी फीस हो नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, वो कहता है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यह कितना मुश्किल है कि प्रभु ने अपने लोगों पर जो आशीष रखी है उसे बेकार कर दे। हम यही देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इसराइली लोग, प्रभु के लोग आशीषित हैं और श्राप देना मुश्किल था। देखिए, ये बालाक समझता था कि ये कैसे काम करता है,
वो समझता था कि उन पर आशीष है इसलिए वो विजयी हैं, उन पर आशीष है इसलिए वो बलवान हैं, उन पर आशीष है इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि यदि मैं उन्हें श्राप दूं तो उन पर जय पाऊंगा, यदि मैं श्राप देने वाले को बुलाऊं जो श्राप देगा तब मैं उन पर जय पाऊंगा, उन्हें श्राप दिए बिना उन पर जय नहीं पा सकता, उनकी आशीष दूर किए बिना, आशीष बेकार का श्राप दिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो इतना जानता था। आज बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं, बहुत से विश्वासी लोग ये नहीं जानते कि वो कितने आशीषित हैं, किस तरह से वो आशीषित हैं। शैतान को आपकी आशीष बेकार करनी होगी और बहुत कुछ बेकार करना होगा मेरे दोस्तों। आशीष कैसे पूरी हो गई? यीशु मनुष्य के रूप में आया, क्रूस पर मरा, अपना लहू बहाया, मनुष्य जाति का श्राप खुद पर लिया, ये सब कुछ हो गया, अब ये कैसे बेकार करेगा? और परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया कि अब्राहम की आशीष हम तक आ सके, कि श्राप चले जाए, तो अब वो उसे कैसे बेकार करेगा? वो बहुत अद्भुत तरीके से जो हुआ है कि आशीष को बेकार करना इतना आसान नहीं है। प्रभु ने अपने लोगों पर आशीष कही थी, वो कहता है इसे बेकार करना इतना मुश्किल है, मुझे घर भर के सोना और चांदी दे तो भी नहीं कर सकता, चाहे जो भी फीस दे नहीं कर सकता। आज मैं आपको शाश्वती देना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया, यदि उद्धार पाया, तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। देखिए मैं बहुत गड़बड़ी दूर करना चाहता हूं कि दोनों होंगे, यानी आप आशीषित हैं लेकिन शायद श्राप होंगे। देखिए इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि गलातियों 3:13 पर मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जानते एक भाई मेरे घर में आए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की और उन्होंने देखा कि दो श्राप हैं। मैं अभी इसी के बारे में कह रहा हूं, क्या आप उस भाई पर विश्वास करेंगे और जो प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा उस पर, या गलातियों 3:13 पर विश्वास करेंगे? गलातियों 3:13 कहता है कि श्राप यीशु पर आया, आशीष आप पर आई है, ये लेन देन हो गई है, आपके लिए कोई श्राप नहीं, आप आशीषित हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। मैं बिलाम और बालाक की कहानी के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा कि चाहे लोग आप पर जो आशीष है उससे बेकार करने की कोशिश करें, वो उसे बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इसे किया और प्रभु की आशीष को बेकार नहीं कर सकते हैं। God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are.
fighting for.